गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफर विद पॉल। आज है आपकी 25 फरवरी और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं इस टाइम। और ये जो है ये देखिए, ये रहा हमारा बोध जी, ये रही अपनी आराध्या। हेलो करो आराध्या। इसको हम लोग अभी बोर्डिंग खोलने जा रहे हैं, बोर्डिंग में लिफ्ट का बटन दबा दो, क्योंकि हम लोग कल निकल रहे हैं एक लंबे सफर के लिए। आपको दिखाएंगे कल सुबह कहाँ जा रहे हैं, इस बार ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपको हम कल सुबह का नज़ारा दिखाएंगे। क्योंकि उसको छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाना है मैडम को, थोड़ा कभी शक्ल सही करना है, मुझे भी थोड़ी शक्ल सही करनी है ट्रिप से पहले। ठीक है आपको ले चलेंगे। तो बस अभी निकल रहे हैं, नीचे पार्किंग में जा रहे हैं, गाड़ी बैठ के इसको हॉस्टल छोड़ेंगे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर, फिर घर आएंगे, फिर कल सुबह निकलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है कहाँ के लिए जाने के लिए इसका हाथ सैनिटाइज करा दो। सही है, कौन सा बटन दबाया आपने? कहाँ जा रही है? नींद आ रही है बोंजी को, फिर अपने फ्रेंड्स से मिलने। आज स्कूल जाएगा, मजे लेंगे। मैं भी स्कूल जाती हूँ, मैं क्लास करती हूँ, ये भी स्कूल जा रही है। एक ही हाथ में पहन लिया दोनों, तुम सुबह ढूंढ रहे थे ना, देखो। हाँ, एक ही हाथ में। बोंजी कहाँ जा रही है? बोंजी अपना खाना फिनिश करा। ये जा रही है हफ्ते, हम लोग का ट्रिप जो है वो एक हफ्ते का है। कानपुर नहीं जा रहे हम लोग, कहीं और जा रहे हैं। झूठ नहीं, एकदम सही बोल रहे, आपको कल पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। कल नहीं, आज ही आओ। तो दोस्तों हम लोग अभी निकल चुके हैं बोंजी को ड्रॉप करने के लिए। ये है ना, आपको दिख तो रहा है वीडियो में, बोंजी बैठी है पीछे। कहाँ गई बोंजी? ये है ना बोंजी, इधर ये देखिए, ले, ये अपनी सीट में बैठी है। फोटो फोटो और सेल्फी। हम इसको पेट हॉस्टल है एक ग्रेटर नोएडा में ही, जो कि हमारे घर से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, उसको वहाँ ड्रॉप करेंगे। अच्छी जगह है काफी, जब भी मैं जाता हूँ वहीं छोड़ के जाता हूँ, काफी रीजनेबल रेट है और अच्छे से रखती भी है वो डॉग्स को। तो बस अभी हम निकले हैं, उसको ड्रॉप करेंगे, फिर जो है थोड़ा गीतांजलि सैलून जाना है। मैं भी अपना थोड़ा दाढ़ी वाड़ी ज्यादा बड़ी होगा ये सेट कराऊंगा, और मैडम में कुछ ब्यूटी पार्लर में कुछ मेकअप वेकअप कराने की बात कर रही है। और ये भी आपको भी कुछ कराना है? हाँ। क्या कराना है आपको? हेयर कलर। ये देखिए इसके हेयर कलर कराना है इसको, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है आपको, सिर्फ हेयर कलर कराना है ना। तो बस ये बोंजी को अभी बस ड्रॉप करना है, फिर आगे का प्लान बताते हैं आपको। कल सुबह हमको निकलना है, कल सुबह की ट्रेन है 5:30 बजे की, वो हम आपको कल ही बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, जो कि काफी लंबी जर्नी है। एक तो मैंने गाड़ी से बाय रोड अभी सबसे लॉन्ग रूट पे जर्नी किया था, अब बाय ट्रेन लाइफ में सबसे लंबी जर्नी करने जा रहा हूँ। यही तीनों लोग मेरे साथ जाएंगे, ये आराध्या जाएगी सेल्फी की ज्यादा पीछे, वो जाएगी मैडम, और हम कल सुबह एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी के लिए निकलेंगे। कल आपको दिखाएंगे कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी क्लास है, आपको दिखाते हैं। चली गई क्या अंदर? ओए इधर बोंजी, बोंजी चल, इसका तो खुद का घर हो गया ये बिल्कुल, वो सीधा भागती अंदर ही। मैं बोंजी को पेट हॉस्टल छोड़ने आ गया हूँ, तो ये पूरा इनका सेटअप है अंदर, काफी बड़ी कोठी टाइप का बना हुआ है और बोर्डिंग अच्छी है, होम बोर्डिंग काइंड ऑफ है। तो जब भी मैं जाता हूँ बोंजी को यहीं पे छोड़ के जाता हूँ, काफी हेल्पिंग और केयरिंग है। हाँ, मतलब अच्छे से टेक केयर करती है। बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपके डॉग का केयर करना अच्छे से चाहिए, जो कि ये करती है। तो गई 3-4-5 महीने से ऑलमोस्ट हो गया ना, हम लोग कहीं पे छोड़ते हैं, यही छोड़ के जाते हैं। मान लीजिए कि अभी गोवा वहाँ गए, तो वहाँ पे 15 दिन के लिए छोड़ गया था, अभी फिर बाहर जा रहा हूँ तो 7-8 दिन का स्टे है। तो आपके बोर्डिंग का नाम बता दीजिए एक बार, क्या? पेट होम अफेयर्स पेट बोर्डिंग। अच्छा, पेट होम अफेयर्स पेट बोर्डिंग। ये आपका लोकेशन क्या लगता है? नोएडा सेक्टर 74। अच्छा,
सेक्टर 74 ग्रेटर नोएडा लगता है ये ना, ग्रेटर नोएडा नोएडा में लगता है ये, नियर सुपरटेक केप टाउन। अच्छा ठीक है, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट कर दो आप। 9873204636। तो मैं इनका नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप आसपास कोई भाई लोग अपने डॉग को यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो फील फ्री होकर आप छोड़ सकते हैं, शी इज़ द बेस्ट वन, तभी मैं छोड़ता हूँ। बाकी मैं अधिकतर हर जगह नहीं छोड़ता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे अच्छा लगा था इनका प्लेस, तभी छोड़ता हूँ। और बाकी मैं आपको थोड़ा अंदर का सेटअप दिखा देता हूँ, अंदर तक नहीं जाऊँगा लेकिन आपको अंदर थोड़ा ग्राउंड दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके डॉग्स फ्रीली घूम सकते हैं। ये रहे अपनी बोंजी और ये पूरा आपका ग्राउंड टाइप का है, यहाँ आराम से अपने डॉग्स खेलते हैं। अंदर सेटअप है पूरा, अंदर रहने का एसी वेसी लगा हुआ है, कूलर लगा है अंदर, वो सारे डॉग्स आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारे डॉग्स हैं तो ये पूरा है एरिया, ये आप देख सकते हो। कभी भी ज़रूरत पड़े आप लोग आइए यहाँ पे, ज़्यादा मेरे घर से 15-20 मिनट का रास्ता है, 7-8 किलोमीटर दूरी है, बाकी बेस्ट प्लेस। दोस्तों बोंजी को ड्रॉप कर दिया है हम लोगों ने हॉस्टल में, अब ड्रॉप करके बस अब जा रहे हैं गॉड सिटी सेंटर में, वहाँ पे गीतांजलि शोरूम है। थोड़ा सा दाढ़ी मूछ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सेट करवाना है। मैडम को थोड़ा सा जो है कुछ मेकअप वेकअप कराना है, इनको भी कुछ कराना है, और उसके बाद घर वापसी जाएंगे। शाम को मेरा ऑफिस है, ऑफिस करके फिर सुबह हमें निकलना है। तो अभी आपको दिखाते हैं गीतांजलि शोरूम कहाँ पर और कैसा है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों हम लोग अभी पहुंचने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लग जाएगा, और ये मैडम देखिए लगी है इंस्टाग्राम में रील्स बनाने में, गाड़ी में बैठ के भी चैन नहीं है, तो इनका प्लीज थोड़ा सा फेमस कर दीजिए इनको भी। इनका इंस्टाग्राम चैनल का नाम है मीरा एम पॉल .355, सो मीरा MWRA .Paul.355, तो इनका इंस्टाग्राम चैनल है, प्लीज जल्दी से जाके इनका फॉलोवर्स बढ़ाइए। और मेरा सफर विद पॉल चैनल है यूट्यूब का, वो तो ऑलरेडी आप लोग देख ही रहे, इसको भी थोड़ा फेमस करिए ताकि आपका भाई अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहे, और मैडम का चैनल फॉलो करते रहिए और बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक से एक जबरदस्त हक्कानी हक्कानी रील्स मिलेंगे आपको वहाँ देखने को। बाकी ट्रैवल से रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे चैनल में देखिए यूट्यूब में सफर विद पॉल, और हम दोनों को आप लोग फेमस कर दिए तगड़े तरीके से एकदम। बस अभी 2-3 मिनट के अंदर हम पहुँचने वाले हैं गीतांजलि सैलून, आपको दिखाते हैं कहाँ पे और कैसी जगह है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गीतांजलि सैलून पे, और मैडम अब अंदर जा रही हैं, देखते हैं क्या कितना खर्चा कराती है, होपफुली ज़्यादा खर्चा ना कराए क्योंकि ट्रिप में बहुत खर्चा होने वाला है। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या करवाती है लोग। थैंक यू। दोस्तों ये देखिए कितनी प्यास लगी है इन लोगों को, ये देखो पानी पी के अपना उड़ गए। ये भाई साहब एक अभी पानी पीने के इंतजार कर रहे हैं। पियो भैया, कहीं नहीं पी रहे हो? अरे पी लो, अरे तो बोल के जरा पास में, ये उड़ा ही दिया आपने तो। क्या हुआ हमको बताओ, क्या चाहिए? तो चिप्स अभी लेंगे, मम्मा तो आ जाए पहले अपना मेकअप करके आ जाने, तो फिर लेंगे चिप्स। मेकअप का हुआ, आपने अपना मेकअप तो कर लिया, बोलो आपने तो मेकअप कर लिया अपना, अब गुस्सा कर रहे हो बताओ। अच्छा चिप्स लेंगे, रुक जाओगे।
आपका ऐसा क्यों है, मूड क्यों ऑफ है? आपने कहा था हेयर कट कराना, हेयर कट भी हो गया आपका। मेरे को कुछ तो खरीद कर दो। अभी जब बोल रहे लेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों हमने अपना बियर्ड सेट करा लिया है और आराध्या ने देखिए कितना सुंदर हेयर कट कराया है। दिखा दे हेयर कट, दिखा दे एक बार। ये देखिए अब, ये देखिए कितना खतरनाक हेयर कट कराया इसने। बहुत देर से पीछे पड़ी थी, काफ़ी दिनों से कि इसको हेयर कट कराना, हेयर कट कराना है। अब अच्छा लग रहा है आपको? और मैडम अभी भी अंदर है, उनका अभी भी क्लीनअप और फेशियल वेशियल। क्या कर रही मम्मा, क्या कर रही मम्मा? मम्मा जो है इनकी अभी फेशियल क्लीनअप सब चल रहा है, काम तगड़ा। तो कल निकलना है तो कह रही पूरी तैयारी से निकलेंगे, तो बस बैठे हैं। हाँ अभी चिप्स लेंगे, लेंगे लेंगे चिप्स लेंगे। तो यही है दोस्तों कि बस अभी ये मैडम फ्री हो, पेमेंट वेमेंट करके निकलते हैं थोड़ी देर में। कल निकलना है तो ये सारे एक्साइटेड है, पूरा एकदम ब्यूटी पार्लर से लेकर हर चीज़ चल रहा है काम। और कल सुबह 5:30 तक निकलेंगे हम लोग। अभी कल समोसा खाओगे? ये चिप्स खाएगी, तो इसको चिप्स लाते हैं और हम लोग जो है समोसा खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। शाम को ऑफिस किया जाएगा, उसके बाद सुबह निकल लिया जाएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा चलो, अरे हेलो गुड, क्या गुड इवनिंग है? और दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र विद पॉल। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, तो हम लोग बस खाना ना खा ली, डिनर कर लिया है। बाकी आराध्या ये पढ़ने नहीं बैठती बिल्कुल भी, सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखती रहती है। और कल इसको जो ट्रेन पकड़ना है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कह रही है कि कितनी जल्दी आप लोग निकलोगे, जितनी जल्दी हो सके निकलो और ट्रेन पकड़ते हैं। और कहाँ जाएंगे ये आपको कल बताएंगे। अभी मैडम भी तैयार हो, तैयार होगी? मैं तैयार नहीं हूँ अभी, तैयारी कर रही। पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट है? हाँ, पैकिंग हो रही है, मोस्टली कंप्लीट। पैकिंग सारी कंप्लीट हो रखी है ऑलमोस्ट। और कितने लगेज होगा टोटल अपने? 3 लगेज तो होंगे। 3 लगेज तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इधर पैकिंग चल रही है, वही अपने गोवा जाने से पहले भी इसी कमरे में हमने पैकिंग किया था। ये मेरा पैकिंग रूम है ना? पैकिंग रूम है तुम्हारा? हाँ। और अभी भी पैकिंग चल रही है। दो दो बड़े लगेज होंगे ना अपने? हाँ, दो बड़े लगेज, एक छोटा। ठीक है, एक छोटा बैग, बाकी लैपटॉप बैग रहेगा अपना। हाँ। बस दोस्तों बस पैकिंग चल रही है, 3 बजे हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। और स्टेशन जाके आपको बताएंगे कि हम एग्जैक्टली जहाँ कहाँ रहे हैं। बस इतना आपको जान लीजिए कि हम लोग अभी जाएंगे कहीं बहुत लंबे टूर पे हैं और ट्रेन से जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ वो आपको थोड़ी देर बताते हैं, मतलब थोड़ी देर में नहीं स्टेशन जाके बताएंगे आपको। तो दोस्तों सारी पैकिंग तो मैंने आपको दिखा दी है, चल रही है और बता भी दिया कि मैंने 3 बजे निकल जाएंगे यहाँ से कैब करके स्टेशन के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना था जो कि हम पिछली बार जब गोवा गए थे तो भूल गए थे, इन पेड़ों को ना पानी का सिस्टम, क्योंकि हम जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए कम से कम। तो और इन हफ्ते भर में ये पेड़ बेचारे सारे सूख जाएंगे। पिछली बार ज़्यादा नहीं सूखे थे क्योंकि जब हम गोवा गए थे तो बारिश का मौसम था, तो बारिश होती रही थी, इनको पानी मिलता रहा। अभी भी देखिए कितना बढ़िया मौसम है, हवा चल रही बहुत तगड़ी। ये सारे पेड़ हमने लगा रखे हैं, तो हमने ये सोचा है कि इस बार इनको कोकोपीट दे के जाएंगे। इसमें एक ना नर्सरी से कोकोपीट मिलता है, ये पैकेट है। कितने किलो का पैकेट है ये? ये तो 2 किलो का पैकेट है। तो 2-2 किलो का एक पैकेट है, तो एक पेड़ में कितना डलेगा, करीब आधा किलो? ये 2 किलो का पैकेट है। हाँ, वो आधा किलो से कम लगेगा। तो आधा किलो के बराबर आप दोस्त लोग मान लीजिए कि ये आप कहीं भी अगर दूर जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए कि 2-3-4-5 दिन के लिए जा रहे हैं और घर पे कोई नहीं है, तो इन पेड़ों का क्या होगा, इनको तो पानी की जरूरत है, पानी नहीं मिला तो बेचारे ये सूख जाएंगे सारे। तो ये कोकोपीट एक चीज़ आती है जो आप नर्सरी से मिलेगा आपको, आप किसी भी नर्सरी से जाकर कोकोपीट बोल सके और ले सकते हैं। ये इसको कैसे करना होता बताया उसने? इसको पहले बाल्टी में डाल के ना थोड़ा देर सोक करना पड़ेगा, पानी डाल के। अच्छा, उसके बाद इसको फिर इसके रूट्स में डाल दो पेड़ के, रूट्स में डाल के फिर ऊपर से अगर पानी डालने की इच्छा हो, जैसे ज्यादा दिन ले जा रहे हैं तो पानी डाल दूंगी मैं ऊपर से, क्योंकि सोक हो जाएगा, ऊपर से पानी डाल सकते हैं। अच्छा, फिर ये आराम से 7-10 दिन रहेगा। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे करके आपको जो है बाल्टी में पहले डालना है, उसके बाद सोक करना है पानी से, थोड़ा पानी से डाल के और उसके बाद सीधे पौधों में डाल देना है ना, थोड़ी देर भिगाना है क्योंकि फूलेगा ना ये। अच्छा, जब ये फूल जाए उसके बाद डाल देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब ये फूल जाएगा ना, अब इसको डाल देंगे फिर पेड़ में, फिर ये धीरे धीरे ये पानी निकलता रहेगा इससे। आप डायरेक्ट भी पेड़ के जड़ में डाल के इसमें पानी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले बाल्टी में सोक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रूट में डालती हूँ। तो दोस्तों यही करना है कि मान लीजिए इसको पहले बाल्टी में डाल के पानी डाल के
उसके बाद 10-15 मिनट रख देना है नहीं? हाँ बस 10-15 मिनट आप रख लीजिए, उसके बाद इन पेड़ों में डाल दीजिएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, कोकोपीट काम क्या करता है, ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद धीरे 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 पानी छोड़ता रहता है। तो इससे क्या होगा, पेड़ों को कंटिन्यू पौधों को पानी मिलता रहता है और ये सूखते भी नहीं है। तो चलिए आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं जब ये पानी सोख लेगा पूरा कोकोपीट तो कैसा दिखता है। तो दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं यहाँ से निकल के, 3 बजे हम निकलेंगे, ओला या उबर बुक कर लेंगे। सामान 2 लगेज हैं, बाकी ये एक छोटी सी लगेज, ये है हमारी आराध्या पॉल, बहुत छोटी लगेज है, एक लगेज बाहर है, तो टोटल 4 लगेज मेरे पास रहेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे सीधा कैब करके और हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप प्लीज़ मत भूलना वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ हमारे चैनल सफ़र विद पॉल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, अच्छे अच्छे नॉलेजेबल, क्योंकि ये सेकंड ट्रिप है हमारा। सेकंड ट्रिप में काफ़ी मज़ा आएगा आपको वीडियोस देखने में, एपिसोड देखने में। एक रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सफ़र विद पॉल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे दोपहर में। हैव ए नाइस डे।